छोटे लोग थे, हमने उनको शिकस्त दी, वो शिकस्त वो बर्दाश्त नहीं कर सके, वो हाई कोर्ट तक गए हैं, वहाँ भी उन्होंने जालसाजी की है और आर ओ के दफ्तर में भी जालसाजी की है और इलेक्शन कमीशन में भी जालसाजी की है, जिसका रिजल्ट अभी उनको मिला और वो भागते हुए नज़र आ गए हैं जी। और मैं फिर अपनी जमात और PDM का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे टिकट दिया, और आवाम ने मुझ पर एतमाद किया और मुझे कामयाब किया। आपके मीडिया वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी दुनिया में आखिरी कोने तक आवाज़ बजाते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। शगीर जिंदाबाद जी। मिठाई कोटा बहुत बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सज्जाद हुसैन शाह नवाब शाह से, और अपना मैंने जरदारी के इलाके से इलेक्शन में हिस्सा लिया चेयरमैनशिप के लिए, UC चेयरमैनशिप के लिए मैंने हिस्सा लिया। और मैं बहुत कम बात करना चाह रहा हूँ, पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आप हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएंगे। मुझे बोलने के लिए प्लेटफार्म मिला है, और मेरे UC में 10 पोलिंग स्टेशन थे, 10 जिसमें से 9 पर मैंने क्लीन स्वीप किया और मेरे 4 काउंसलर भी मुंतखब हो गए। 9 के बाद जो 10वां मेरा पोलिंग बूथ था उसमें खवातीन के एरिया में भी मैंने विन किया। जो मर्दाना पोर्शन था उसमें RO और प्रेजाइडिंग अफसर आसिफ कुरैशी और पुलिस की मदद से डब्बे लेकर फरार हो गए, और उसमें जो है 80% वोट कास्ट करके मुझे नाकाम करार दिया गया, जिसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में आया हुआ हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरी आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ। मैंने क्लीन स्वीप किया है, मेरे काउंसलर कामयाब हो गए हैं, मैंने तमाम पोलिंग स्टेशन विन किए हैं। एक छोटे पोलिंग स्टेशन को उन्होंने डब्बे चुराए हमारे, उस साइड से भी ले लेना, डब्बे चुराए हमारे, और उसके बाद जो है सारा का सारा मामला गड़बड़ कर दिया। मैं आला अदलिया से अपील करता हूँ, ट्रिब्यूनल से अपील करता हूँ, इलेक्शन कमीशन में बेंच बैठा है इससे अपील करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरे हल्के की आवाम से इंसाफ किया जाए। मेहरबानी मेहरबानी भजन मेहरबानी।